मेरठ के शाहपीर गेट इलाके में स्थित कायस्थों की धर्मशाला में वर्षों से रमेश माथुर का परिवार रह रहा है। रमेश का एक पुत्र मेरठ में तो एक दिल्ली में रहता है। क्षेत्रवासियों के मुताबिक लंबी बीमारी के चलते अधेड़ रमेश माथुर की मौत हो गई, जिसके बाद क्षेत्र के मुस्लिम मृतक के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए, जहाँ मुस्लिम संप्रदाय के क्षेत्रवासियों ने रमजान के बावजूद कोई परहेज न मानते हुए रमेश के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी की। इसके बाद उनके शव को कंधा देकर अंतिम संस्कार में परिवार के लोगों के साथ खड़े रहे। वही क्षेत्र के सभी निवासियों का कहना है कि वह बरसों से एक परिवार की तरह रहते हुए आए हैं। उन्होंने शहर के सभी लोगों से भी भाईचारे के साथ रहने की अपील की। हिफ्ज़ुर रहमान नाम है मेरा। हिफ्ज़ुर रहमान साहब, जैसे कि यहाँ पे एक गैर मुस्लिम की मौत हो गई है, इतना हाल हुआ है, क्या पूरा मामला है और कैसे इसका क्रियाकर्म करने का प्रोग्राम बनाया आप लोगों ने? ये रमेश माथुर यहाँ बहुत पुराने रहने वाले थे। कायस्थों की ये धर्मशाला है, यहीं रहते थे, मंदिर में रहते थे, यहीं सफाई करते थे। और इनका भी दोपहर में देहांत हो गया 2 बजे के आसपास। इनके 2 बेटे हैं, एक दिल्ली में, एक यहाँ है। तो सारे मुस्लिम लोग मिल के आपस में इनका क्रियाकर्म करेंगे। संदेश देना चाहेंगे? यही हिंदू मुसलमान एकता की संदेश है कि हिंदू गुजरा है कि मुसलमान उसको कंधा देंगे। कुल कीर्ति भूषण भूषण जी, आज एक क्या घटना क्रम हुआ है? कि बीमार चल रहे थे बहुत दिन से। कौन थे ये लोग? ये रमेश चंद माथुर है इनका नाम। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे सज्जन आदमी रहे, सबसे मिलजुल वाले रहे। एक डेढ़ महीने बीमार चल रहे थे बस। आज जैसे कि अंतिम संस्कार का समय आ रहा है और यहाँ मुस्लिम समाज भी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये तो 100 साल से खड़े हमारे साथ में, 100 साल से खड़े हैं हमारे साथ में, इनसे क्या कहना? संदेश देना चाहते हैं? सब फिर तैयार हैं, संदेश देना चाहते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। 100 साल से इनके ताऊ चचा का सब इन्होंने करा है। क्या कहना चाहेंगे आज के माहौल को, जैसे आज का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे लोगों? माहौल तो हमेशा अच्छा रहता है, भाईचारा है। तो लोग बिगाड़ते हैं,